विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने महानदी पर खिलवा से घुनौर के बीच 18 करोड़ 59 लाख की लागत से बनने वाले पुल का भूमि पूजन किया। विधायक पाठक ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि इस पुल के निर्माण से 2 दर्जन से अधिक गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। राघवगढ़ के घुनौर में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक संजय पाठक ने कहा कि इस पुल के निर्माण से महानदी के दोनों ओर बसे सैकड़ों लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लगभग 30 से 35 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुल के निर्माण से 2 दर्जन से अधिक गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। विधायक संजय पाठक ने कहा कि विजय राघवगढ़ में आज जिस पुल का भूमि पूजन हुआ है, लोगों को यकीन नहीं था कि ये पुल भी कभी बनेगा। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास करने वाली विधानसभा कोई है तो वो विजय राघवगढ़ है। ये हरिहर धाम इस विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, हमारे कटनी जिले को भारत के नक्शे में सबसे सम्मानजनक तीर्थ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बनाएगा, ये आज आप लोगों को बता रहा हूँ। विधायक संजय पाठक ने हरिहर तीर्थ बनाने को लेकर कहा कि हरिहर तीर्थ के निर्माण के पीछे उद्देश्य सारे तीर्थ का एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन करना तो है ही, साथ ही इसका उद्देश्य यहाँ के हजारों लोगों का रोजगार के जरिए भविष्य संवारना भी है। ये तीर्थ क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, साथ ही देश दुनिया में इस तीर्थ से विजय राघवगढ़ की पहचान स्थापित होगी। सैकड़ों प्रकार के रोजगार सृजन होते हैं जब कोई बड़ी चीज बनती है। सैकड़ों हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वही आस्था का केंद्र बनेगा और वही ये हमारा विजय राघवगढ़ चिरंजीवी हो जाएगा, युगों युगों तक विजय राघवगढ़ का नाम रहेगा। और ये जितने आप सब बैठे हो यहाँ से लेके पीछे तक और जहां तक आवाज जा रही है, सबकी पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने धाम बनाया था। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।